इस्लाम के खिलाफ। जो मेरे ख्याल से है हम आज बना रहे हैं वो उन्होंने भेजे होंगे, या जो भी इसके केस है, जो भी औरतों की आजादी से इक्वल राइट्स से घबराता है। आपको लगता है पूरी आजादी है आर्टिकल, अगर आर्टिकल 25 में हमें मिल गई है इम्प्लीमेंटेशन तो उसी की जब तक नहीं होगा हम बोलेंगे। एक इल्जाम लगता है मुखालफीन की जानिब से कि ये जो औरत मार्च है बेसिकली इस्लाम के खिलाफ। आप क्या काम कर रही हैं खवातीन के लिए आखिर? मैं आवाज उठा रही हूँ, मैं आवाज उठा रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ। अच्छा इफ़ा साहब, आप आजादी के सारे राय की बात करते हैं, कुछ जर्नलिस्ट के साथ भी यहाँ पे उनको रोकने की कोशिश की गई, उनको सवाल करने से क्या कहेंगे मैडम? उनके ऊपर क्या कहेंगे? उनका भी तो राइट है सवाल करना। सवाल तो करने दे ना, कम से कम आप सवाल तो करने दे। इफ़ा साहब उनके ऊपर कमेंट कर देंगी? नहीं वो नहीं करेंगी, छोड़ मैं मैडम उनसे तो पूछ लेंगे। आप इजहारे राय की सबसे बड़ी हमें वो नजर आती है, बुरे सवाल का अच्छा जवाब हो सकता है, बुरे सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। आप पूछे, आप उनको जब बहुत सारे साफी यहाँ पे मौजूद थे उनसे बात उनको नहीं करने दी जा रही, धक्के दिए जा रहे, ये मुनासिब है आप इसको सपोर्ट करें? मैंने तो देखा नहीं है, मुझे तो पता नहीं है किसको धक्के पड़े। बनाई है उसमें देख सकेंगे ये। नहीं वो लोग बैन थे, जब बैन है तो क्यों नहीं? सारी बैन है बाजी। अच्छा बस करें, पीछे कर। अच्छा मैम ये बताए, हां मैम ये बता दें, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है, रास्ता दो। आप प्लीज क्लॉस्ट्रोफोबिया होने थोड़ा खुला करें यार, पीछे हो जब मैं कबीर ना बनाए। यहाँ पर दफा 144 नाफिज और आप यहाँ पर इकट्ठ कर रहे हैं, अजीब लोग हैं, जमान पार्क में लोगों को मार रहे हैं, दो लोग वहाँ पर शहीद हो गए और आप यहाँ पर जो है दो लोग वहाँ पर दो लोग जस्मीन राशिद की गाड़ी में बैठ कर खातून के अस्पताल लेके जाया जा रहा है, दफा 144 है और यहाँ पर आप इकट्ठ कर रहे हैं, अजीब लोग खत्म कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये जान बूझ के इसको सबोटाज करने के लिए लोग भेजे गए हैं। लोग कर रहे हैं कोई आपको बता सकते हैं किसने भेजे होंगे? जो मेरे ख्याल से है मार्च बना रहे हैं वो उन्होंने भेजे होंगे, या जो भी इसके गेस्ट है, जो भी औरतों की आजादी से इक्वल राइट्स से घबराता है, पिदरशाही जिसका जहन है वो ही भेजते हैं। और ये निकलना मुझे करीब करने के लिए क्यों रोका जा रहा है? मीडिया को कवरेज से क्यों रोका जा रहा है? नहीं मीडिया में देखिए, मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, मैं एक औरत, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। मीडिया वालों को क्या करते हैं? लेकिन जो वॉलंटियर है वो पीछे नहीं कर रहे, उनकी लेडीज आके उनको क्या करते हैं? वो दे रही है धक्के, दे रही है, कोई वजह होगी तो ये लोग यहाँ पे, कोई तो वजह होगी, मीडिया नहीं दिखा रहा है। बता आप आ जाए, इफ़त उमर साहिबा यहाँ पर जी नाजरीन, जी नाजरीन इफ़त उमर साहिबा यहाँ पर आई हुई थी और मीडिया वाले जो हैं दोस्त हमारे वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर चूँकि खुल के बात नहीं हो रही और जो मैनेजमेंट है को उसने अच्छे इंतजाम नहीं किए हुए, क्या मामला है बात नहीं हो रही। तो जब इफ़त उमर साहिबा वहाँ पर बैठी हुई थी तो जब वो जाने लगी हैं तो मीडिया वालों ने एक तरह से उनको घेर लिया और बात करने की कोशिश की, जिस पर वो काफ़ी ऑफेंड हुई क्योंकि वो बात नहीं करना चाह रही थी और मीडिया वाले चूँकि काफ़ी गमजद हैं, अफसरदा हैं, तो वो बात करना चाह रहे हैं और इफ़त उमर साहिबा उनको अवॉइड कर रही थी, तो इस पर जो है वो काफ़ी यहाँ पर आपने देखा कि थोड़ा सा हंगामा हो गया। लेकिन ये चीज़ें सेटल डाउन होनी चाहिए। लेकिन ये ख़राब मैनेजमेंट की वजह से जो हमेशा से जो बात होती है असल बात वो छुप जाती है और दूसरी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती है। तो ये औरत मार्च की जो मैनेजमेंट है उनको समझना चाहिए, अगर आप मीडिया को अलाउ नहीं करेंगे, उनको आज़ादी नहीं देंगे तो फिर इसी तरह के मामलात होंगे। अब उनको अलाउ करें, आज़ादी देंगे, वो खुले आम जाकर बात कर सकें। जब आप निकली हैं आज़ादी के लिए निकली हैं तो मीडिया को भी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके खिलाफ नहीं है। आप मेरे पीछे इधर इधर इफ़त क्या मैम छोड़ दो, मैं हैरान हूं कि आप सपोर्ट करने आए हैं सबको, मैं ये देख रहा हूं आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, आप लोग मेरे लिए आज मेरे बंदा ना कर दो मेरा कौन सा ग्रुप है जो नहीं पीछे से आवाज नहीं आ रही क्यों? मेरा प्रदर्शनी निजाम में बड़ा टाइम लगेगा, आप क्वालिटी से बस बस छोड़ आप यार की क्या।